नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं दिवाकर, आप देख रहे हैं JNI न्यूज। रायबरेली ट्रस्ट के जिला अध्यक्ष आफ्ताब अहमद उर्फ रज्जू खान ने आज युवजन सभा का जिला अध्यक्ष राजदेव यादव को नियुक्त किया और कहा कि राजदेव यादव प्रतिभा को पूरे जिले में मजबूत करेंगे, यही उम्मीद की जा सकती है और आने वाले विधानसभा के चुनाव में पार्टी के कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। वहीं उनके युवाओं में अच्छी पकड़ को देखते हुए युवजन सभा की जिम्मेदारी दी गई। भैया, आज आपको जिला अध्यक्ष बनाया गया, पैसा लग रहा है, खुशी महसूस हो रही है, काम करना है आगे। पार्टी को मजबूत करने के लिए क्या कहूँगी आपको, उसका पार्टी पार्टी को मजबूत करने के लिए दोनों मेहनत करेंगे पूरी ईमानदारी के साथ। जी, आज क्या कार्यक्रम था? आज जो है राजदेव यादव जी को युवजन सभा प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का रायबरेली का जिलाध्यक्ष घोषित किया गया है और ये घोषणा जो है विजय यादव जी इनके युवजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल सिंह यादव जी के निर्देशानुसार और मेरे संस्तुति पे इनको जिलाध्यक्ष बनाया गया है और मैं आशा करता हूँ कि राजदेव यादव जी पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुँचाने में पूरा सहयोग करेंगे और पार्टी को इनके आने से मजबूती हमको मिलेगी। और आज कौन सा कार्यक्रम? मैं अर्शी खान, अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का। आज हमारी पार्टी ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने राजदेव यादव जी को युवजन सभा का जिलाध्यक्ष बनाया है और एक जिम्मेदारी उनको दी है, उसको मेहनत और ईमानदारी से इनका को काम करना है और पार्टी को मजबूत करने का काम करना है। हम लोग को की तरफ से, हमारे जिलाध्यक्ष की तरफ से इनको बहुत बहुत बधाई हो और अपनी ईमानदारी से पूरी मेहनत करके इस पार्टी को मजबूत करने का काम इनको।